सो बी वी आर डूइंग पोर्टफोलियो रिस्क मैनेजमेंट जिसमें हमने कैपम की बात की थी वी टॉक अबाउट इट्स कैलकुलेशन उसका फार्मूला भी देखा था सो वी टूडे वील टॉक अबाउट इट्स प्रैक्टिक्वेलिटी एंड यूज़ हाउ इट्स बींग यूज कंसिडरिंग वट आर द क्रिटिसिजम वट आर द अदर फैक्टर्स इन इट कंसिडरिंग क्रिटिक्स ऑफ कैपेम एंड एजम्प्शन बिहाइंड इट्स पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन इट माइट बी डिफिकल्ट टू सी हाउ इट कैन भी यूजफुल अगर हम मैं थोड़ा सा रिकॉल कराऊँ एजम्प्शन की तो हमने बड़ी सी बात की थी कि जी सबकी की होमोजीनियस एक्सपेक्टेशंस हैं टाइम होराइजन बिल्कुल सेम है वो थोड़ी सी रिजिड थी तो अगर हम उनको देखें तो लगता है ये कभी भी इस्तेमाल नहीं हो सकेगा बट इट्स नॉट लाइक दैट इट्स स्टिल वेरी मच यूज कंसिडरिंग के एक्सपेक्टेशन पार्ट और अदर पार्ट्स में इसकी यूटिलाइजेशन है एज अ टूल टू एलियट रिजलनेस ऑफ फ्यूचर एक्सपेक्टेशन और टू कंडक्ट कंपेरिजन कैन स्टिल हैव सम वैल्यू यानी कि इसकी यूटिलाइजेशन है का बेनिफिट बेनिफिटली फ्रीक्वेंटली लिया जाता है इन इन्वेस्टमेंट थे बीटा ऑफ जीरो पोर्टफोलियो वुड जनरली लाइक टू हैव डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के गया स्प्लिट कर दो एंड दैट इज इट बट दैट्स नॉट द केस कैप एम कैन बी एक्सटेंडेड इन नंबर ऑफ एरियाज अदर पार्ट्स में अदर यूटिलाइजेशन में इसकी एप्लीकेबिलिटी आ जाती है इट प्रोवाइड्स एडिशनल एप्लीकेशन बियॉन्ड एस्टिमेशन ऑफ सिक्योरिटी रिटर्न के तो सिर्फ रिटर्न की बात नहीं बट ये अदर पार्ट्स में भी यूज होता है अ की एरिया इज़ वैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस वेयर अ नंबर ऑफ कॉमनली यूज मैट्रिक्स आर यूज कि अगर हमने वैल्यूएट करना है किसी पोर्टफोलियो को कि उसने कैसा परफॉर्म किया या हमारे पास दो तीन मैनेजर हैं हमने उनकी परफॉर्मेंस को गेज करना है तो कैपम इज़ अ टूल टू गेज एंड लुक इन टू देयर परफॉर्मेंस सो दिस इज़ अ वे दैट इज

कि ये हर एक अगर फर्क हो जाए तो वो अपनी वैल्यूएशंस निकालेंगे तो उसको फिर हम देखेंगे कि हाउ डैट इज़ कम्पेरेबल विद मार्केट एंड दैट कैन बी यूज फॉर सिक्योरिटी सिलेक्शन द कैप एम कैलकुलेट प्राइज इज़ द करंट मार्केट प्राइज कैप एम के, के, के थ्रू हमारी जो क्या प्राइसिंग आ रही है इफ़ इन्वेस्टर्स एस्टिमेटेड प्राइस इज़ हायर देन द करंट मार्केट प्राइस दिस कूड इंडिकेट दैट एसिड इज कंसिडर्ड अंडर वैल्यूड बाई मार्केट कि हमने अगर कैलकुलेट किया उसकी वैल्यू आ रही है एटी मार्केट में उसकी वैल्यू है सेवन तो हम कहेंगे कि जी मार्केट ने इसको अंडर वैल्यू किया हुआ है हमारे मुताबिक इसकी प्राइस ज़्यादा है तो भी और ये हमें ले लेना चाहिए इससे क्या होगा इट विल प्रोवाइड यू विद अ एक्स्ट्रा रिटर्न इन फ्यूचर तो ये क्या होता गया इट्स कॉल्ड जेनसन्स एल्फा जेंसन एल्फा कैन बी कम्प्यूटेड विद द पॉजिटिव वैल्यू के हमारे मुताबिक वट कैन बी गेंड फ्राम द मार्केट इट इंडिकेट सिक्योरिटी इज़ लाइकली टू आउट परफॉर्म द मार्केट ऑन अ रिस्क एडजस्टेड बेसिस के मार्केट से ये बेहतर परफॉर्म कर जाएगी क्योंकि इसका एक्सपेक्टेड रिटर्न हमारे हिसाब से ज़्यादा है सिमिलर इंफॉर्मेशन कैन बी रिप्रजेंटेट जो हमने ये एस एम एल की जो लाइन पड़ी थी उसमें यही रिफ्लेक्शन है कि वहाँ पर अंडर वैल्यू और ओवर वैल्यू के कॉन्सेप्ट से ये मूव करता है

तो अब प्रैक्टिकली ऑल द एसेट्स कहना तो आसान है लेकिन सबको लेना इट नॉट दैट इजी अगर हम यू एस मार्केट की बात करें तो वहाँ थाउजेंड्स ऑफ एसड्स हैं तो वैन वी आर टॉकिंग अबाउट इट तो उन सबको जम ज्वाइन करना कंबाइन करना नॉट पॉसिबल इवन स्टॉक मार्केट के अंदर भी अगर हम बात करें तो हंड्रेड्स ऑफ शेयर्स हैं इंडेक्स में तो अगर आप उनमें से लेते हैं सपोज पाकिस्तान में वी हैव सिक्स सेवन हंड्रेड शेयर्स लेकिन हमारे पास के एस सी हंड्रेड है तो हम कहते हैं के एस हंड्रेड जो है वो समझे मार्केट की ही रिप्लेक्सिव है मार्केट की ही प्रॉक्सी है तो अब मैं के एस हंड्रेड की प्रॉक्सी ले लेता हूँ आप उसमें के एम आई थर्टी की प्रॉक्सी ले लेते हैं तो दोनों की प्रॉक्सीज जो है वो फर्क हैं तो दैट कैन लीड टू डिफरेंट कंक्लूजन तो प्रॉक्सी फॉर मार्केट टिपिकली प्रॉक्सी फॉर पोर्टफोलियो यूज बट डिफरेंट एनालिस टैन टू यूज डिफरेंट प्रॉक्सीज तो वो उनकी एस्टिमेशन ही डिफर कर जाती हैं तो ये लिमिटेशन है ऑफ द कैप एस्टिमेशन ऑफ बीटा पुअर प्रोडिक्टर ऑफ रिटर्न बिकॉज अब ये बात तो प्रायर डाटा पर बेस कर रहा है ना तो इट्स नॉट नेरी के दैट्स रिफ्लेक्टिव ऑफ़ द फ्यूचर एंड इन रियलिटी इन्वेस्टर्स आर अनलाइकली टू हैव होमोजीनियस एक्सपेक्टेशन ये बात हमारी पहले ही हमने कह रही थी कि होमोजीनियस एक्सपेक्टेशन होना इन इट सेल्फ ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है दो लोग का ओपिनियन नहीं मिलता देन हैव ऑल इन्वेस्टर्स हैव ए सेम एक्सपेक्टेशन वो पॉसिबल नहीं है So that mean it still have many limitations. But I'm conclude, karenge. it's a very beneficial. Having wide word acceptability, frequently utilized. So we need to know it, we need to apply it, but we should know the assumptions, we should know the limitations as well. Thank you.